बैक विद अनदर वीडियो ऑफ जेक्वेरी बिगिनर ट्यूटोरियल। तो इस वीडियो में हम जिन मेथड्स के बारे में बात करेंगे वो हैं पोजीशन और ऑफसेट मेथड जेक्वेरी में। तो इन दोनों में जो है बेसिकली ये एलिमेंट की पोजीशन और को आइडेंटिफाई करता है कि एलिमेंट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ पे जो है उसकी क्या टॉप से क्या पोजीशन है और लेफ्ट से क्या पोजीशन है। तो इसी तरह ऑफसेट है, दोनों में इतना कोई वो डिफरेंस नहीं है, लेकिन जो इसमें जो डिफरेंस है बेसिकली वो ये है कि जो ऑफसेट है वो आपको जहाँ से एलिमेंट डॉक्यूमेंट में शुरू हो रहा है वो एक लोकेशन आपको देगा, हालांकि पोजीशन जो है वो ऐसा नहीं करता। वो आपको जहाँ से डॉक्यूमेंट शुरू हो रहा है वहाँ से आपको पोजीशन देगा। ठीक है, तो इसको देखते हैं प्रैक्टिकली और मज़ीद इसके बारे में समझते हैं कि इसको कैसे ही काम करेगा। तो पहले तो हम दोनों को देखते हैं कि दोनों हमें क्या रिजल्ट्स देते हैं, उसके बाद हम इनके जो सब मेथड्स हैं जो इनके अंदर मेथड्स डिफाइंड हैं टॉप या लेफ़्ट, तो ये इनको भी हम देखेंगे कैसे करते हैं और इनको चेंज करके भी देखेंगे कि अगर हम इसको चेंज करते हैं एलिमेंट के पोजीशन को तो ऑफसेट को तो क्या फ़र्क पड़ता है। तो इसमें आ जाते हैं एडिटर में, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास दो बटन्स हैं पोजीशन और ऑफसेट, तो हम उनके क्लिक इवेंट पे देख लेते हैं कि कैसे ये काम करते हैं। तो पोजीशन का ली हमने इवेंट ऐड कर लिया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अगर देखें बॉक्स को, बॉक्स की हम अगर पोजीशन आइडेंटिफाई करना चाहते हैं तो हम ये करेंगे कि सबसे पहले इसको हम कंसोल करेंगे। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग और ये, और इसी तरह उसका भी होगा ऑफसेट का, लेकिन सबसे पहले हम इसकी पोजीशन को देख लेते हैं कि क्या दे रहा है ये हमें। तो पोजीशन पे क्लिक करने के बाद हमें ये देखें जो बॉक्स की है वो लेफ़्ट से और टॉप से हमें ये वैल्यू कुछ दे रहा है, कि इतना ख़ास नहीं है कुछ, क्योंकि ये हमने कोई भी इसके बाहर कोई चीज़ ऐड नहीं की हुई। तो अगर हम फॉर एग्जांपल इसको यहाँ से H2 कर देते हैं कि H2 की हमें पोजीशन बताओ, तो सेव करने के बाद हम देखते हैं तो ये देखें ये नहीं दे रहा। इसकी क्या रीज़न हो सकती है, क्योंकि हमने H3 नहीं लगाया, H2 लगा दिया। तो रिफ़्रेश करते हैं, पोजीशन पर क्लिक करते हैं, तो अभी आपको ये बता रहा है कि प्रॉपर ये कहाँ पर मौजूद है। अगर हम इसको इंस्पेक्ट करने के बाद जो हमारे पास ये ऑप्शन आता है इसको अगर देखें तो ये हमें क्या बता रहा है कि इसकी मार्जिन कितनी है। तो देखें, अगर आप मार्जिन देख रहे हैं तो इसकी 18.72 समथिंग है। ठीक है, तो ये बेसिकली आपको डायरेक्ट ये बताएगा कि इसमें क्या पोजीशन इस चीज़ की आपकी आ रही है। टॉप कितना है, 59 समथिंग है, और लेफ़्ट क्या है, 67.60 आपका लेफ़्ट में पिक्सल्स में आपको बेसिकली ये वैल्यूज़ देता है। तो पोजीशन हमारी ऐसे वर्क करती है। इसी तरह हम अगर आ जाते हैं ऑफसेट पर, तो हम पहले उसके ऊपर भी बात कर लेते हैं, फिर हम इनका डिफरेंस देखेंगे और इन दोनों का क्या क्या फ़र्क आता है इनको यूज़ करने में वो भी देखेंगे, और इनको चेंज करके भी देखेंगे ऑफसेट को कि क्या वैल्यू हमें मिलती है। तो कंसोल डॉट लॉग पहले कर लेते हैं, और इसी तरह बॉक्स को हम H3 को टारगेट करते हैं, और ऑफसेट हम इसका बाहर लिख दिया मैंने, ऑफसेट इसका मालूम करते हैं। तो पहले तो हम एक पहले वाले को पोजीशन वाले को प्रेस करेंगे तो ये हमारे पास जो आ रही थी रिज़ल्ट वही आ रहा है। तो ऑफसेट को करेंगे तो देखें टॉप, अब ये देखा जाए तो उससे ज़्यादा दे रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है ये आपका टॉप जो ऑफसेट का है ये इंक्लूडेड है इसके अंदर, जो आपके पास मार्जिन आती हैं बाई डिफ़ॉल्ट। ये देखें, अगर आप यहाँ पर देखें रेड कलर की जो मार्जिन दे रहा है इनको भी काउंट करता है, और लेफ़्ट से ही आपका सेम है। तो इन दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है कि जो आपको मैं यहाँ पे भी चेंज करके भी दिखाऊंगा। ठीक है, तो ये डॉक्यूमेंट्स का लेता है, जो भी आपका पेरेंट बेसिकली होता है, तो ये जो आपका पोजीशन है ये पेरेंट पे डिपेंडेंट होता है बेसिकली। और ऑफसेट क्या करता है कि जहाँ पे एक्चुअली ये मौजूद है तो उसको लेगा। तो अभी मार्जिन भी इंक्लूडेड थी इसलिए ये डिफरेंस आपको आया है। तो डिफरेंस आपने देखा था कितना था, तकरीबन 19 पिक्सल या 20 अगर हम कर लें, तो इसमें अगर देखें आप तो ये देखें इसमें 20 का 19 का तकरीबन फ़र्क है।
क्योंकि मार्जिन भी ये अकाउंट कर रहा है, ठीक है। तो अगर हम फॉर एग्जांपल इनकी पोजीशंस को चेंज करते हैं, या इनकी जो अगर आपने इंडिविजुअली इनकी टॉप और लेफ्ट वैल्यू लेनी है तो आप ये भी ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम पोजीशन को एक वेरिएबल में, फॉर एग्जांपल हम एक वैल्यू लेते हैं, वेरिएबल ले लेते हैं टेस्ट के नाम से या एक्स के नाम से ले लेते हैं। तो हमने पोजीशन यहाँ पर ले ली, तो कंसोल डॉट लॉग करेंगे एक्स को, तो आपको ये वही आउटपुट देगा जो आपके पास पहले आ रही थी। लेकिन अगर आपने इसकी टॉप और लेफ्ट वाली वैल्यू को मेजर करना है तो आप इसको डायरेक्ट मेथड ये लिखेंगे टॉप, तो ये आपका टॉप वाली वैल्यू आपको सिर्फ दे देगा। इसी तरह अगर आप इसमें लेफ़्ट लिख देते हैं तो इस लेफ़्ट मेथड के थ्रू ये इसके सब मेथड्स हैं जो पोजीशन है उसके, तो अगर आप इस पर करते हैं लेफ़्ट वाले पे तो ये आपको लेफ़्ट वाली इंडिविजुअल वैल्यू दे देगा। बेसिकली मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ इनके जो सब मेथड्स हैं ताकि आपको अगर फॉर एग्जांपल कोई फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर रहे हैं, कोई यूआई में आपने कोई आपने डायनेमिकली कोई चीज़ चेंज करनी है या कोई फंक्शनैलिटी बनानी है जावास्क्रिप्ट के जेक्वेरी के थ्रू, तो आप इनको यूज़ कर सकते हैं। तो नीचे हम जो ऑफसेट की बात कर रहे थे, तो ऑफसेट में हमारे पास जो वैल्यूज़ आ रही हैं अगर हमने इनको चेंज करना है तो वो भी हम चेंज कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे? फॉर एग्जांपल हमारे पास ये जो ऑफसेट आ रहा है, हम अगर इसमें कुछ चीज़ वैल्यूज़ चेंज करना चाहते हैं, जिस तरह हमारे पास इसका टॉप जो है वो 78 और इसका लेफ्ट 67 आ रहा था, तो अगर हमने इसकी वैल्यूज़ चेंज करनी है तो हमें सेम एज़ इट इज़ टॉप को लिखना है। फॉर एग्जांपल अभी हम ज़ीरो कर लेते हैं और इसको चेक करते हैं कि कैसे वर्क करता है, तो इसको भी ज़ीरो कर लेते हैं। तो अगर अभी हम रिफ़्रेश करेंगे और ऑफसेट पे क्लिक करेंगे तो ये देखें इसका ऑफसेट जो हमें क्लिक करने के बाद चेंज हुआ, तो ये बिल्कुल ज़ीरो ज़ीरो पे चला गया, बिल्कुल टॉप लेफ़्ट और टॉप राइट, टॉप पे और लेफ़्ट पे बिल्कुल ये ज़ीरो पे चला गया। तो अगर हम यहाँ पे इसको 100 या 150 कर देते हैं, यहाँ पे भी 150 करते हैं और रिफ़्रेश करके देखते हैं ऑफसेट को, तो ये देखें ये 150 यहाँ पर बनता है। तो इसको दोबारा से चेंज करते हैं फिर देखते हैं क्या फ़र्क पड़ रहा है, यहाँ पर आ रहा है। तो ऐसे आपने जो है इसकी वैल्यूज़ भी चेंज करनी है। अगर आप वैल्यूज़ की कर रहे हैं करना चाहते हैं चेंज, तो आप वैल्यू चेंज कर सकते हैं। तो अभी अगर हम बात करें तो इनकी वैल्यूज़ जो हमारे पास आ रही थी, तो उनके हम मैं जो आपको डिपेंडेंसी की बात बता रहा था कि पोजीशन की जो डिपेंडेंसी होती है वो क्या होती है, तो अभी अगर हम यहाँ पर बात करें पोजीशन की, तो पोजीशन पर क्लिक करने के बाद, सॉरी ये हमने कमेंट नहीं किया, तो पोजीशन के करने के बाद हमारे पास ये चीज़ आ रही है। तो अगर हम 59 पिक्सल और 67 पिक्सल हमारे पास आ रहा है, तो ये बेसिकली डॉक्यूमेंट के हिसाब से ले रहा है कि यह ऊपर टॉप से जहाँ से डॉक्यूमेंट शुरू हो रहा है वहाँ से ले कर यहाँ तक कितनी पिक्सल्स बनते हैं। तो जिस भी एलिमेंट के अंदर ये हमारा जो H2 है H3 है जो आ रहा है, तो इसको अगर हम अगर बॉक्स को पोजीशन इसकी रिलेटिव कर देते हैं तो फिर देखिएगा क्या फ़र्क पड़ता है। अभी 59 67 था, तो अगर हम पोजीशन अब लेंगे तो ये 29 और 30 लेगा। तो बेसिकली बात करने का मकसद ये है कि जब हम इस की जो पेरेंट एलिमेंट है उसकी पोजीशन को रिलेटिव करते हैं तो ये इस बॉक्स से इन दोनों चीज़ों को लेता है, ठीक है, टॉप और लेफ़्ट को। तो अभी ये आपकी जो टॉप और लेफ़्ट की जो पिक्सल्स ले रहा है बेसिकली वो ये इस बॉक्स के हिसाब से ले रहा है, ये बाहर से नहीं ले रहा। तो ये डिपेंडेंसी है जो ऑफसेट में नहीं है, ऑफसेट वैसे ही काम करेगा जैसे है। तो इन दोनों में ये डिफरेंस था। तो इस वीडियो में इतने रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और इस कोर्स को मज़ीद आगे लेकर चलते हैं।